नरसिंहपुर जेल के कैदियों ने पर्यावरण को बचाने के लिए एक अनोखी और सुंदर पहल की है। जहां गोबर से दिए बनाकर जेल को रोशन करेंगे कैदी, वहीं उससे होने वाली आय से कैदियों के परिवार की जिंदगियों में भी खुशियां लौटेंगी। इतना ही नहीं, इन गोबर के दिए और गमलों से जहां पर्यावरण सुरक्षित होगा, वहीं दीपदान करने के दौरान जल प्रदूषित होने से भी बचेगा। हमारा ये केंद्रीय जेल नरसिंहपुर में और जेलर साहब, अधीक्षक मैडम और चक्कर साहब की तरफ से हमको दिया गया है और हम यहाँ दीपक बना रहे हैं। और ये दीपक इसलिए बना रहे हैं कि ये घर घर में उजाला हो और ये हमारा संदेश घर घर में पहुँचे। और इनका एक ऐसा है कि प्रदूषण नहीं फैलता, ये कहीं भी आप जलाओगे, पानी में या तालाब नदिया में छोड़ोगे तो ये गल जाएगा। बंदियों को दीपक की प्रेरणा इस तरीके से दे रहे हैं कि हमारे यहाँ चूँकि गौशाला है जिसमें कि 60 से 70 गायें हैं, उनके यहाँ से गोबर हमको मिल जाता है। गोबर से हम एक कुछ उसमें मिट्टी, कुछ उसमें अनाज के कण मिलाकर बंदियों को दीपक बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। और ये दीपक इस तरीके से इतने हल्के हैं कि इनको पानी में भी हम जो है बहा सकते हैं। वहीं भोपाल में कैदियों के हाथों से बने दीयों से इस बार घर रोशन होंगे। कैदियों द्वारा बनाए गए दीयों का स्टॉल लगाया गया है। लोग रंग बिरंगे दीयों को खरीद रहे हैं। स्टॉल का जायजा लिया संवाददाता सदफ हामिद ने। देखिए, प्रकाश के पर्व दीपावली के मौके पर इस बार लोगों के घर कैदियों के हाथ के बने दीयों से रोशन होंगे। जी हां, राजधानी भोपाल के सेंट्रल जेल में कैदी खुद गोबर और मिट्टी से दिए बनाने का यहां पर काम कर रहे हैं। जेल की ही गौशाला के गोबर का यहां पर उपयोग किया जा रहा है। पहले जो कैदी हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके बाद जब दीपावली नज़दीक है तो ऐसे में सभी जो सजावट का सामान होता है या फिर दीयों की बात करें वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। लोकल फॉर वोकल का जो नारा है उसे आगे बढ़ाने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ जेल सहायक अधीक्षक जी हैं, हम उनसे भी जानेंगे। सर, यहाँ पर लोकल फॉर वोकल की झलक देखने को मिल रही है। जी हाँ, बेशक हमारे यहाँ ये गौशाला जो जगेंद्री जेल भोपाल में है, उस गौशाला में जो गाय हैं वो उनके गाय के गोबर से ये दीपक बनाए जा रहे हैं जो हमारी जेल के बंदी सजायाफ्ता कैदी उनको बना रहे हैं। और रॉ मटेरियल में ये गाय का गोबर हमारी गौशाला का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें दीपोत्सव, प्रकाशोत्सव का जो पर्व है दीपावली, उसे बड़ी धूमधाम से हमारी जेल में मनाया जाता है, बंदी भी मनाते हैं उसे। मध्य प्रदेश शासन की ओर से इस राष्ट्रीय पर्व पर भी अन्य पर्व की तरह विशेष भोजन बंदियों को दिया जाता है। सामग्री उपयोग होती है दिए बनाने में या फिर माला बनाने में, ये क्या पूरा सामान कहीं से लाया जाता है या फिर जेल का ही यूज़ किया जाता है? इसमें स्पेशली गोबर तो जेल का ही है, गौशाला का है। और एक दो चीज़ें होती हैं जो मार्केट से लेना होती हैं, उन्हें यूज करते हैं इसमें। बिल्कुल, तो देखिए आप, हम ये दिखाना भी चाहेंगे आपको कि ये कैदियों के हाथ के बने दिए हैं, ये सुंदर और ये पूरे स्वदेशी हैं, गोबर के बने हुए ये दिए हैं। लोकल फॉर वोकल को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया है और इसके अलावा इन्हीं दियों का एक स्टॉल लगाकर जो जेल के कर्मचारी होते हैं वो उन्हें सेल करते हैं और जो आम लोग हैं वो इन्हें खरीदने का काम करते हैं। यानी कि जेल में पूरा जो माहौल देखने को मिल रहा है, फिलहाल दीपावली के जो पर्व की तैयारियाँ हैं वो की जा रही हैं। इसके अलावा लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा भी यहां पर देने का काम किया जा रहा है। कैमरामैन कैमचंद के साथ सदफ हामिद, न्यूज 24 भोपाल।